आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। टेम्पो ट्रेवलर कैंटर की जोरदार टक्कर, एक की गई जान। सुंदरनगर में चिट्टे सहित युवक गिरफ्तार। गाड़ी में 100 पेटी अवैध देसी शराब बरामद। सतलुज पुल पर मिले लापता ग्रामीण के जूते, शॉल व टोपी, छलांग लगाने के कयास। जयंती माता मंदिर में पंच भीष्म मेले शुरू, श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। किसान बागबान उगा रहे नकदी फसलें, बढ़ा रुझान। अब खबरें विस्तार से। कीरतपुर नेरचौक फोर लेन की टनल नंबर 3 तुन्नू के बीचों बीच एक टेम्पो ट्रेवलर और कैंटर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो ट्रेवलर चालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टनल के भीतर टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर पहले दीवार से टकराया, उसके बाद सामने आ रहे कैंटर से टकरा गया। ये टेम्पो ट्रेवलर बिलासपुर की तरफ से आ रहा था तो कैंटर बठिंडा से सुंदरनगर की तरफ जा रहा था। हादसे के समय चालक अकेला ही टेम्पो ट्रेवलर में मौजूद था। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रेवलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को किनारे कर टनल में चल रही एक तरफा यातायात व्यवस्था को पूर्ण रूप से बहाल किया गया। मेरा नाम मनोहर लाल है, मैं बठिंडा से गाड़ी लेके दाल जा रहा था। अचानक ट्रेवलर यहाँ से रोंग आई फुल स्पीड में, उसने 2 बारी टनल में मारा, तीसरी बारी मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, जबरदस्त टक्कर मार दी। और अब पता नहीं ड्राइवर घायल है बेचारा, अब क्या अस्पताल ले गए उसको। आज प्रातः 8:30 बजे के करीब एक सूचना मिलती है पुलिस को कि टनल नंबर 3 जो नेशनल हाईवे पे, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है पुलिस टीम वहाँ पर पहुँचती है तो पाया जाता है कि एक टेम्पो ट्रेवलर जो टुवार्ड कीरतपुर जा रहा था, वो एक तरह से अनबैलेंस होकर के पहले दीवार के साथ टकराया और उसके बाद एक जो गलत दिशा से, जो सही दिशा अपने आप जो सही दिशा से जो टकरा रहा था उसके साथ टकरा गया। और इसमें जो है ये जो टेम्पो ट्रेवलर में जो ड्राइवर था, ये 32 वर्षीय आकाशदीप कीरतपुर का रहने वाला, ये पूरी तरह से घायल था और जिसे जो है अस्पताल भी ले गए हैं। जबकि जो ट्रक चालक है मनोहर लाल, उसे कोई चोट नहीं आई है। ट्रक चालक जो मनोहर लाल, उसके अनुसार ये था कि ये जो मनोहर लाल था वो अपनी दिशा में टनल में चला हुआ था और ये जो टेम्पो ट्रेवलर का जो चालक है, इसने एकदम जो गलत दिशा में इसको टेम्पो ट्रेवलर को लाया और सीधा पहले दीवार के साथ हिट हुआ, उसके बाद इसके ट्रक के साथ हिट हुआ। तो इसमें जो है मामला दर्ज कर लिया है और जो इंजर्ड है उसे अस्पताल भेज दिया गया, कि उसे जो है अस्पताल में जो भी डॉक्टर जो मृत घोषित कर दिया। अब अगली इसमें जो प्रक्रिया चल रही है। पुलिस थाना सुंदरनगर के प्रभारी जसवीर ठाकुर की अगुवाई में पुलिस टीम ने सुंदरनगर के महामाया मंदिर के पास एक युवक को 1.72 ग्राम चिट्ठे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान राहुल निवासी बाड़ी सुंदरनगर के रूप में हुई है। युवक के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। DSP सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। कल मैं गश्त पे महामाया मंदिर के पास मौजूद था तो एक युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, उन्हें सबको उन्हें से पकड़ा तो इसके चेक किया तो इसके पास चिट्ठे की जो बना रखी थी एक कुड़िया थी, तो जैसे ही हमने कुड़िया को चेक किया तो और उसको तराजू से तोला तो 1.71 ग्राम चिट्ठा इससे बरामद किया गया। इसका नाम राहुल निवासी बाड़ी मालूम हुआ, जिसके खिलाफ मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज किया जाकर जाँच जारी है।
सुंदरनगर पुलिस थाना प्रभारी जसवीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में टीम ने किरतपुर नेर चौक फोर लेन पर सुंदरनगर के पुंग में नाका लगाते हुए एक पिकअप गाड़ी को 100 पेटी देसी अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी सुंदरनगर जसवीर सिंह ने बुधवार शाम को अन्य कर्मियों के साथ पुंग में फोर लेन सड़क पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान जड़ोल की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आई, जिसे जांच के लिए रोका तो चालक हड़बड़ा गया। जांच करने पर गाड़ी में 100 पेटी उना नंबर 1 मार्का की देसी अवैध शराब बरामद की गई। चालक बेलीराम निवासी निहरी ने बताया यह शराब निहरी ले जा रहा था। डीएसपी सुंदरनगर भरत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। जी सर, मैंने अपने दो आरक्षियों के साथ पुंग में नाका लगाया हुआ था, जो हरा बाग की तरफ से एक गाड़ी महिंद्रा पिकअप सफेद रंग की आई, जिसको मैंने इशारा दे के रोका और इसको जांच के लिए चेक किया। जब इसको चेक किया तो इसके अंदर 100 पेटी उना नंबर 1 की बरामद हुई, जो जिसको गाड़ी को बेलीराम चला रहा था ड्राइवर, जो बेलीराम ने बताया कि ये शराब जो कि नीरी ले जा रहे थे और इसको बिलासपुर से लोड किया था। तो इसके खिलाफ मुकदमा एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जो अभी इसकी तफ्तीश मैं स्वयं कर रहा हूँ। कीरतपुर नेर चौक फोर लेन पर सुंदरनगर के अलसू बरमाना सतलुज पुल पर आज सुबह एक 54 वर्षीय व्यक्ति के जूते, शॉल व टोपी मिलने से उसके सतलुज नदी में छलांग लगाने के कयास लगाए जा रहे हैं। पुल पर मिले सामान को घर वालों ने पहचान कर पुष्टि की है। सूचना मिलते ही डहर पुलिस चौकी कर्मी मौके पर पहुंचे व बयान कलम बद्ध करते हुए सामान को कब्जे में ले लिया गया। लापता व्यक्ति की पहचान टिबलू राम उम्र 54 वर्ष पुत्र परसराम गांव निचला अलसू डाकघर डहर जिला मंडी के तौर पर हुई है। टिबलू राम रोजाना घर से सुबह की सैर पर निकला था और वापस आ जाता था, लेकिन बुधवार को जब वे वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने तलाश शुरू की। इसके बाद बरमाना सतलुज पुल किनारे उसकी टोपी, शॉल व जूते मिले। कांगड़ा के साथ लगती पहाड़ी पर स्थित प्राचीन जयंती माता मंदिर में आज से पंच भीष्म मेले शुरू हो गए हैं। मंदिर के कपाट सुबह 3 बजे ही खुल गए। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए मां के दर्शन कर रहे थे। जयंती माता मंदिर में 5 दिवसीय पंच भीष्म मेलों को लेकर कांगड़ा प्रशासन मुस्तैद है। इस बार भी इन मेलों को लेकर मां के दरबार को खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। इन मेलों के दौरान मां के दरबार में 5 दिन तक अखंड दिए जलते रहेंगे। मंदिर में मेले हर साल कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागबानों का रुझान नकदी फसलों की तरफ बढ़ रहा है। इस बात के मद्देनजर रखते हुए केमिकल और ऑर्गेनिक खाद की डिमांड भी ज्यादा होने लगी है। हिमफेड क्षेत्रीय कार्यालय कुल्लू और लाहौल स्पीति जनजातीय जिला के लिए गत वर्ष 8150 मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार की खाद का वितरण किया गया है। इस वर्ष यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि किसान और बागबान नकदी फसलों की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हिमफेड क्षेत्रीय कार्यालय कुल्लू और लाहौल स्पीति जनजातीय जिला के क्षेत्रीय प्रबंधक विजेंद्र राउत का कहना है, कुल्लू और लाहौल स्पीति जनजातीय जिला में रायसन भुंतर बाजार कुल्लू को लाहौल सहित हिमफेड के 5 गोदाम है, जहां से किसानों और बागबानों को केमिकल और ऑर्गेनिक खाद की आपूर्ति की जाती है। सर, वर्तमान में हिमफेड कुल्लू का जो एरिया है, कुल्लू से लेके लाहौल तक, किस तरह से फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कंजम्पशन हो रही है? जी, पहले से नमस्कार सर आपको। जो हमारा कुल्लू एरिया सर,
मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हिमफेड कुल्लू में और लाहौल में कैसे काम कर रहा है। हमारे यहाँ 5 गोडाउन है, एक गोडाउन कुल्लू में ही है, यहीं पर ही कुल्लू शहर में सरवरी में, दूसरा भुंतर में है, तीसरा बंजार में है, चौथा रायसेन में है और 5वां गोंदला में जो लाहौल एरिया को सर्व करता है। तो इनकी कैपेसिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। जो मैंने कुल्लू की बात की, कुल्लू में 250 MT जो गोडाउन है 250 MT की कैपेसिटी का है, और जो भुंतर में वो भी 250 MT का है, बंजार वाला भी 250 MT का, लेकिन रायसेन वाला हमारे पास बड़ा गोडाउन है 1000 MT का, और जो गोंदला में वो भी 250 MT का ही है। तो कुल्लू एरिया में लास्ट ईयर जो मैं पिछले साल की बात करूँ तो लगभग 7500 MT यहाँ पर खाद की कंजप्शन हुई, और अगर मैं गोंदला की बात करूँ जहाँ से लाहौल एरिया सर्व होता है उसमें लगभग 650 MT की कंजप्शन हुई जी खाद की। तो सर जैसे इस सत्र की बात करें तो इस कंजप्शन में वृद्धि भी हुई है, किस तरह से रुझान है किसानों बागवानों का जी? इस क्षेत्र में खाद में लगातार वृद्धि तो हो रही है, क्योंकि जैसे किसान भाई क्या कर रहे हैं आजकल, कैश क्रॉप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब जैसे जैसे कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं तो खाद में खाद की जो कंजप्शन है वो लगातार बढ़ रही है। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।